मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को धनबाद में जैप 3 सशस्त्र पुलिस बल के पासिंग परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जैप के इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य को बेहतर दिशा देनी है तो राज्य को बेहतर व्यवस्था देनी होगी। उन्होंने कहा कि जितने भी पुलिस लाइन और जैप मुख्यालयों का 2 साल में जीर्णोद्धार करेंगे, वे राज्य की विधि व्यवस्था ठीक करने और महिला उत्पीड़न समाप्त करने के लिए नए जवान काम करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशिक्षित होने वाले जवानों से कहा कि यह प्रशिक्षण आपको चुनौतियों से लड़ने में काम देगा। काम के दौरान आपको तरह तरह की चुनौतियों से जूझना होगा। 2445 नए जवानों में 813 महिलाओं का होना राज्य के लिए शुभ संकेत है। सबसे पहले मैं झारखंड पुलिस के उन पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों का नमन करता हूं, जिन्होंने अपने निजी हितों की चिंता किए बगैर कर्तव्य की बलिवेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। राष्ट्र कवि दिनकर जी के शब्दों में, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब मैं सब इसके उपरांत इस परेड में सम्मिलित सभी प्रशिक्षुओं को बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही स्मार्ट और चुस्त परेड किया, आपने कठिन मेहनत की। जो प्रशिक्षण आपका 9 महीने का होना था, वो कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण समय समय पर बाधित हुआ और करीब 3 साल चला, लेकिन आपने बहुत अच्छे से इस प्रशिक्षण को संपन्न किया और आज इतनी मेहनत से आपने बहुत ही चुस्त और चटक परेड प्रदर्शित किया, इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। आज यहां IRB 9 गिरिडीह का लगभग 552 प्रशिक्षुओं का प्रशिक्षण संपन्न हो रहा है। आज के बाद आप अपने कर्तव्य पथ की ओर आपको चलना है। सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में अपनी जिम्मेवारी निर्वाहन करनी है। दो साल आप लोगों ने जो यहां ट्रेनिंग प्राप्त किया है, निश्चित रूप से ये ट्रेनिंग आपके आत्मबल और अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही बनाते हुए आपको आने वाले समय में जो चुनौतियां आपके सामने आएंगी, उस चुनौतियों को कितने सरलता से आप कर पाते हैं, यह अब आप पर निर्भर करता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।